हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लैंड पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनबीए लीग में जो पीएचएक्स वर्सेस एनओपी के बीच जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किसको ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समोलीग और ग्रैंड लीग में बेस्ट ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलिक और ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। तो सबसे पहले पीएचएक्स की तरफ से बारे में बात करें ड्रेविन बुकर के बारे में, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में इन्होंने 2254 पॉइंट कवर करके तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन शूटिंग गार्ड के रूम में होने वाला है। तो आप अपनी टीम में स्मॉलिक हो चाहे ग्रैंड लीग हो, दोनों टीम में आप अपनी टीम में इनको शूटिंग गार्ड के रूम में लेकर चलेगा, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। क्रिस पॉल के बारे में बात करें, क्रिस पॉल को आप अपनी टीम में एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में इन्होंने 2169 के अलावा पॉइंट कवर करके तो आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड होने वाला है। तो आप अपनी टीम में पॉइंट गार्ड के साथ साथ इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लेकर चले, चाहे आप स्मॉली टीम में ट्राई करें चाहे ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करें, आपको कोई भी लॉस नहीं वाला है। अब हम बात करते हैं एनओपी की तरफ से सीजी मैकलम के बारे में। तो सीजी मैकलम को आप अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में लगभग 1500 के लगभग पॉइंट कवर करके तो एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में आप अपनी टीम में इनको जरूर लेकर चले। या करियर के बारे में बात करें, 323 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले कर रखे, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आप अपनी टीम में इनको एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में जरूर लेकर चलेगा। अब हम बात करते हैं जोन्स वैगनर्स के बारे में। जोन्स वैगनर्स को आप अपनी टीम में एज ए सेंटर के रूम में लोगे, 1000 से ऊपर पॉइंट कवर करके एज ए सेंटर और एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में बेस्ट चॉइस होने वाली है। समोह लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमें ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। तो ये चार प्लेयर है दोस्तों, इन चार प्लेयर को आप अपनी समोह लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमें ट्राई कर सकते हैं। समोह लीग के प्लेयर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के प्लेयर सिर्फ और सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, उनको समोले में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ग्रैंड लीग में थोड़े रिस्की प्लेयर को हम पिक करके चल सकते हैं, लेकिन समोले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। समोले में हम टॉप से टॉप प्लेयर को लेकर चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। तो पीएचएक्स की तरफ से बारे में बात करें ट्रॉय क्रियाज के बारे में, इस लीग में 543 के लगभग पॉइंट करके एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में आपके पास ग्रैंड लीग में बेस्ट चॉइस होने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करें लैंड्री सैमिट के बारे में, तो इस लीग में लगभग 700 के लगभग पॉइंट कर रहे हैं एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में आपके पास बेस्ट ऑप्शन ग्रैंड लीग में होने वाला है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, समोह लीग में इनको आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। अब हम बात करते हैं एनओपी की तरफ से गैरेट टेम्पल के बारे में, 173 पॉइंट कवर करके तो इनको आप अपनी टीम में ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कीजिए। दूसरे नंबर पर बात करें टोनी स्नेल के बारे में, इस लीग में लगभग 278 के लगभग पॉइंट करके सिर्फ और सिर्फ इनको आप अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। इनको आप स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। स्मॉल लीग के लिए अगर आपको टीम चाहिए या ग्रैंड लीग के लिए टीम चाहिए या कितनी भी टीम चाहिए, उस हिसाब से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस हिसाब से हम आपको टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं की प्ले फॉर्म के बारे में। बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक के डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं की प्ले फॉर्म के बारे में। तो पीएचएक्स की तरफ से क्रिस पॉल के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिए, चाहे स्मॉल लीग टीम बनाए चाहे ग्रैंड लीग टीम बनाए, आपके पास बेस्ट ऑप्शन पॉइंट गार्ड के रूम में होने वाले हैं। डेविन बुकर के बारे में बात करें, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए बेस्ट पिक्स होने वाले, बेस्ट पिक है एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में। मिकल ब्रिज के बारे में बात करें, स्मॉल फोर्ड के रूम में आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। डेंड्रे एंटम के बारे में बात करें, एज ए सेंटर के रूम में आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर लेकर चलिए, पीएचएक्स की तरफ से बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है। एनओपी की तरफ से बारे में बात करें, डेवंटो ग्राम के बारे में बात करें, इनको आप अपनी टीम में पॉइंट गार्ड के रूम में मौका दीजिए। सीजे मैकलम के बारे में बात करें, तो आपके पास शूटिंग गार्ड के रूम में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ब्लेंडर ग्राम के बारे में बात करें, स्मॉल फोर्ड के रूम में आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर मौका देखते हैं। वेलकोनिस के बारे में बात करें, एज ए सेंटर रूम में आपके पास स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए बेस्ट चॉइस होने वाले हैं। तो इन चार प्लेयर को, दोनों टीमों में से चार चार प्लेयर को आप अपनी ग्रैंड लीग के साथ साथ स्मॉल लीग में भी दो दो प्लेयर को मौका दे सकते हैं, बाकी आपको स्मॉल लीग के लिए अलग से टीम प्रोवाइड करवा देंगे। लिंक इन टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। बात करने से पहले मैं आपको बता दें, हमने डिस्क्रिप्शन में विजन एलन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजन एलन को डाउनलोड करें। विजन एलन को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ आपको विजन एलन दे सकते हैं। तो इसलिए लेस कॉम्पिटेंट भी, कंपटीशन भी बहुत कम है, एंट्री फीस भी कम है और विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अभी डाउनलोड करें लिंक के डिस्क्रिप्शन पर जाकर, और हमारा रेफर कोड यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर अभी डाउनलोड करें, अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन एलन पर तैयार करें। ड्रीम इलेवन से भी कम एंट्री फीस है और उससे ज़्यादा कॉन्टेस्ट है। तो अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर।
अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। तो बेस्ट परफॉर्मेंस में पी एच एल की तरफ से बारे में बात करें, क्रिस पॉल ने एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 2169 पॉइंट कर करके, डेविन बुकर के बारे में बात करें एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 2254 पॉइंट कर करके, लैंड्री शमट के बारे में बात करें एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 656 पॉइंट कर करके, मिकल ब्रिज के बारे में बात करें एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में लगभग 1704 पॉइंट कवर करके। अब बात करते हैं सेंटर रूम में कवर, सेंटर और स्मॉल फोर्ड के बारे में, टी क्रेज के बारे में बात करें एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में लगभग 543 पॉइंट कवर करके, और जॉनसन ने एज ए सेंटर रूम में लगभग 543 कवर करके। तो पी एच एक्स की तरफ से पाँच प्लेयर बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस है आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एन ओ पी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में, डेवांटर ग्राहम के बारे में बात करें एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में लगभग 548 पॉइंट कवर करके, सीजे मैकलम के बारे में बात करें एज ए पॉइंट गार्ड शूटिंग गार्ड के रूम में लगभग 1500 लगभग पॉइंट कवर करके, टोनी स्नेल के बारे में बात करें एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में लगभग 278 के लगभग पॉइंट कवर करें, ब्रेंडन इग्रान के बारे में बात करें एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 1010 पॉइंट कवर करें, गैरेट टेम्पल के बारे में बात करें एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में लगभग 171 तीन चार मैच में पॉइंट कवर करके। तो एन ओ पी की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको यह प्लेयर देखने मिल जाएंगे, तो इनमें से आप अपने ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में ट्रिप प्लेयर पिक करके चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, दोनों टीमों में से हमने तीन तीन प्लेयर एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में पिक किए, तो इन्हीं प्लेयर को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में लेकर चले। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस पॉल के बारे में, तो क्रिस पॉल एफ पी एस की तरफ से पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, पॉइंट गार्ड के साथ साथ आपके पास एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में बेस्ट चॉइस होने वाले। मिकल ब्रिज के बारे में बात करें एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में पी एच एक्स की तरफ से खेलते हैं, 1703 के लगभग पॉइंट कर करके, ट्रेंड्री आइटम के बारे में बात करें एज ए सेंटर के साथ साथ आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब बात करें डेवांटो ग्राहम के बारे में, एन ओ पी की तरफ से बहुत ही अच्छे खासे एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, तो आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में आप अपनी टीम में मौका दे सकते हैं। सीजे मैकलम के बारे में बात करें शूटिंग गार्ड के में आप अपनी समोली और ग्रैंड लीग दोनों टीम में ट्राई कीजिए, शूटिंग गार्ड के साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। ब्रेंडन इग्राम के बारे में बात करें एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 1010 पॉइंट कवर करके एन ओ पी की तरफ से खेलते हैं, आप अपनी टीम में स्मॉल फोर्ड के साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में मौका दे सकते हैं। तो इन छह प्लेयर को आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन मौके दीजिए दोस्तों, चाहे आप समो लीग टीम बनाए, चाहे ग्रैंड लीग टीम बनाए, चाहे कितनी भी टीम बनाए, 10 टीम बनाए, 20 टीम बनाए, इन्हीं में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करके चलेगा। इंजरी कोई भी प्लेयर नहीं, सभी प्लेयर फिट है। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप स्क्वाड की तरफ जरूर नजर कर लें। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 8-8 प्लेयर पिक किए, यानी कि हमारे हिसाब से आज के मैच में यह प्लेयर खेलने वाले, बाकी हम आपको लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में, तो आज आप अपनी ड्रीम टीम में पॉइंट गार्ड के बारे में बात करें, सी पॉल को अपनी टीम में पॉइंट गार्ड के रूप में लेकर चल सकते हैं, पी एच एक्स की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देने मिल जाएंगे। सी पाई ने के बारे में बात करें, पी एच एक्स की तरफ से बेस्ट ऑप्शन पॉइंट गार्ड के रूम में होने वाले। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, मैकलम को अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में लेकर चले। स्मॉल फोर्ड के बारे में बात करें, ब्रिज को अपनी टीम में एज ए स्मॉल फोर्ड के साथ साथ आप अपनी टीम में मुर्फी को भी पहली ड्रीम टीम में मौका दे सकते हैं, इनको आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं, इस लीग में बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस पर है, तो इनको आप अपनी पहली ड्रीम टीम में जरूर मौका दीजिए। पावर फोर्ड के बारे में बात करें, क्राउडर आपके पास पी एच एक्स की तरफ से बेस्ट ऑप्शन पावर फोर्ड के साथ साथ, जोन्स आपके पास एक अच्छा खासा एन ओ पी की तरफ से पावर फोर्ड होने वाले। दोस्तों सेंटर के बारे में बात करें, वेल्किनीस को अपनी टीम में एज ए सेंटर रूम में जरूर लेकर चलिए। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, सी पॉल को अपनी टीम में कैप्टन के रूम में और मैकलम को वाइस कैप्टन के रूम में लेकर चले तो कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते।